कि यह घटना किस समय की है और क्या था पूरा माजरा जिस समय आपने देखा, क्या मंजर था? 5 बजे सुबह की ये घटना है, बिल्कुल जहाँ पे घटना घटी उसके 50 मीटर पे ही मेरी मार्केट है, वही मेरा मकान है। तो अब जैसे मैं बाहर था निकला हुआ तो सामने से गाड़ी घूमती नजर आई, आवाज़ आ रही थी और हम जब तक गाड़ी के पास पहुँचे तो गाड़ी में आग लग गई थी, पूरी जल चुकी थी। 2-3 एक गाड़ियाँ भी रुकी रोडवेज थी शायद हरियाणा की, 2 लड़के इधर सकरपुर साइड के मोटरसाइकिल वाले थे तो हम लोगों ने गाड़ी से उनको निकाल के दूसरी साइड ले जाके बैठा दिया। एक बैग उनका कपड़ों से भरा होगा क्या था, वो बैग ही निकाल पाए गाड़ी से। और तब तो फिर गाड़ी के पास जाने नहीं दिया, इतनी बहुत काफ़ी आग लगी हुई थी गाड़ी में, फिर जलने शुरू हो गई। स्पीड कितनी थी लगभग? स्पीड 100 से ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ी की। तो कितनी दूर से कितनी दूर तक गाड़ी जो है एक्सीडेंट के बाद? 150 मीटर तक, हम 100 मीटर तक तो गाड़ी आउटर साइड पर चली है। तो तमाम जो गाड़ी है उसके परखचे उड़ गए, जल गई, वो तो राख होगी साथ के साथ वहीं जल गई, जल के ख़त्म होगी गाड़ी। तो ऋषभ पंत को कैसे बाहर निकाला गया वहाँ से? ऋषभ पंत को जैसे वो सब लोग इकट्ठे आए तुरंत उनको निकाल लिया, आग तो गाड़ी में लगी चुकी थी, लेकिन अगर वो लोग इतने सारे ना आए तो अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर पाना था। तो पुलिस की क्या कार्यशैली रही, आपने पुलिस को सूचना दी उस समय? हाँ, वो पुलिस तुरंत आ गई, जैसे मैं वहाँ पहुँचा फ़ोन नहीं लग पाया, फिर हम पुलिस चौकी गए, पुलिस चौकी जाके हमने सूचना दी, फ़ोन पर भी संपर्क बनाया, उन्होंने बताया कि बॉर्डर साइड कुछ गाँव में थे उधर। और देखिए परमिंदर से आप हमारे रिपोर्टर की बातचीत सुन रहे थे हमारे संवाददाता सलमान की। परमिंदर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता किशोर रावत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। परमिंदर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, परमिंदर आप थोड़ी अंधेरा है जहां पे आप इस वक्त मौजूद है। देखिए परमिंदर आ चुके हैं हमारे साथ, परमिंदर आप उसी जगह पर मौजूद है मुझे बताया जा रहा है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था और जहां पर आपने ऋषभ की जान बचाई थी, जरा बताइए आप पूरी वो पूरे दास्तां बताइए कैसे आपने ऋषभ पंत को बचाया। सुबह 5 बजे की घटना है, 5 बजे मेरा घर वहाँ से 100 मीटर पे है, तो आवाज आने के बाद हम लोग घर से बाहर निकले, उठी जाते हैं वॉकिंग के लिए निकलना था, तभी फिर आग दिखाई टू विंडो में, आग नजर आई गाड़ी में। जब गाड़ी के पास पहुंचे तो कई लोग और आ चुके थे बाइक लेके, गाड़ी रोडवेज रुकी हरियाणा की, सभी लोगों ने मिलकर कांच तोड़ के उनको बाहर निकाला और सेफ जगह उनको बैठा दिया गया। फिर हम पुलिस चौकी गए, वहाँ पे सूचना दी और एम्बुलेंस सिविल हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंस लाके उनको एम्बुलेंस में बैठा के और फिर हमने रुड़की के लिए उनको भेज दिया। लेकिन परमिंदर ये बताइए आप जिन्हें जब ऋषभ पंत की जान बचाई उस वक्त ऋषभ किस हालत में दिख रहे थे आपको, कैसी हालत थी उस वक्त? नहीं, ब्लीडिंग था हल्का सा माथे पे, एक पैर में घुटने में ब्लीडिंग हो रहा था, कमर पे भी छिली हुई थी, लेकिन बात कर रहे थे, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। सही तरह से उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ क्रिकेटर, और वो बैठे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि जब साइड पे हम उनको ले गए कि वो लेटे हुए हों, बैठे हुए थे। ठीक है परमिंदर आप मेरे साथ रहिए क्योंकि ऋषभ पंत का एक्सरे भी आ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं कि एक्सरे देखकर उनको क्या लग रहा है। डॉक्टर साहब अगर आप ऋषभ पंत का एक्सरे देख पा रहे हो, ये जो एक्सरे सामने आया है इससे क्या पता लग रहा है आपको, किस तरह की चोट है ऋषभ पंत को? देखिए जो एक्सरे आपने मेरे पास भेजा हुआ है जी, इस एक्सरे को देख करके कोई मेजर फ्रैक्चर नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ इस एक्सरे के बेसिस पे कुछ भी बता पाना मेरे लिए डिफिकल्ट है। इसको ध्यान से देखने पे ऐसा लग रहा है हो सकता है उनके नी ज्वाइंट के अंदर एसीएल लिगामेंट में इंजरी हुई हो। अच्छा। लेकिन मैं कन्फर्म एक्सरे के बेसिस पे नहीं कर सकता। नहीं, लिगामेंट फ्रैक्चर हो सकता है ये बताया जा रहा है, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? मतलब ये इसके एक्सरे के बेसिस पे कहना, चूंकि टीवी पे देख रहा हूँ और फोटो आ रही है, डिफिकल्ट है, इसके लिए एमआरआई होना चाहिए नी का, नी के एमआरआई में क्लियर होगा कि इसमें लिगामेंट फ्रैक्चर है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब आप मेरे साथ रहिए क्योंकि वो हमारे साथ आई विटनेस है जिन्होंने जान बचाई है ऋषभ की, वो हमारे साथ है, उनकी बातों से सुनकर अगर आप कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सके तो बताइएगा। परमिंदर डॉक्टर साहब हमारे साथ है, जरा इनको बताइए आपने ऋषभ पंत को किस हालत में बचाया था, जब आप पहुंचे थे तो ऋषभ पंत किस हालत में, और थोड़ा तेज बोलिए परमिंदर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, और पीछे जरा बड़े बड़े दिखाइए। गाड़ी में आग लगी हुई थी पूरी तरह, पहले क्या हुआ कैसे हुआ नहीं जानकारी, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे गाड़ी रुकी आके वहाँ पे काफी आग लगी हुई थी गाड़ी में, फिर कोई बाइक वाले बंदे आ गए, एक हरियाणा रोडवेज की गाड़ी आई, उन सबने मिलके उनको कांच तोड़ के गाड़ी से बाहर निकाल दिया और उनको सेफ जगह बैठा दिया गया दूसरी साइड पे। अच्छा। जबकि उनको देखने में लगता था ब्लीडिंग तो था, सर में भी था, पैर में भी था, कमर भी छिली हुई थी एक साइड से, तो बट वो घबरा नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जान तो बच गई। अच्छा ऋषभ ने कुछ कहा आपसे जब आपने ऋषभ की जान बचाई, क्योंकि लग रहा है कि वो इस हालत में थे कि बोल सके? उन्होंने बताया, मैंने खुद पूछा आप कहाँ से, तब उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ क्रिकेटर हूँ, लेकिन उस समय
हालत ऐसी थी मैं पूरा दिमाग पे जोर नहीं दे पाया कि बस ऐसे नॉर्मल की हाँ होंगे, लेकिन अच्छा। पुलिस को जाना, फिर एम्बुलेंस लेके आपने क्या किया? तो जी फिर आपने क्या किया? बस एम्बुलेंस में मुश्किल से मेरी उनसे 1.5 मिनट ही मुलाकात हुई, तो भाग दौड़ में रहा हूँ, फिर एम्बुलेंस में बैठा के उनको भेज दिया गया। फिर किसी सज्जन ने उनके पैसे भी दिए हैं जब वो एम्बुलेंस में बैठ चुके थे। अब वो कितने थे मैं नहीं कह सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक उनका बैग कपड़ों से भरा हुआ था, क्या था उसमें? वो बैग भी एम्बुलेंस में ही उनके पास रख दिया गया। अच्छा गाड़ी की हालत देखकर क्या लग रहा था आपको परमिंदर जी, कितना बुरा एक्सीडेंट था? क्या पूरी जल चुकी है, पूरी आग लगी हुई थी, उस साइड का जो वन वे रोड है वो तो बंद ही हो गया था। अच्छा और ये पूरी सुबह करीब 5:30 बजे हुआ? ये 5 बजे, 5 बजे के बाद का हादसा है। अच्छा आप रहिए परमिंदर मेरे साथ, डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब कुछ समझ में आ रहा है और क्या चोटें हो सकती हैं ऋषभ पंत को, क्या हालत हो सकती है उनकी? जिस तरीके से आपने वीडियो देखा उसमें वो अगर वो उन्हीं का वीडियो है जिसमें वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इशू है। बट ये है कि हाँ उनके नी में अगर दर्द है, स्वेलिंग है, तो MRI होना चाहिए। इस तरीके से मेरे लिए बताना डिफिकल्ट है कि उनको क्या प्रॉब्लम होगी। अगर वो कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं, उनको वोमिटिंग नहीं हुई है, उनको हेड इंजरी नहीं हुई है, उनके ईयर नोज थ्रोट से ब्लीडिंग नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि ही इज सेफ, बट ही नीड ऑब्जर्वेशन इफ एनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज देयर। बट अगर घुटने में दर्द है, चल नहीं पा रहे, लंगड़ा रहे, तो उनके नी का MRI होना चाहिए, तभी प्रॉपरली बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमिंदर एक आखिरी सवाल आपसे, अभी हमारे दर्शकों को आप जरा बताइए, जब आप मौके पर पहुंचे थे, ऋषभ पंत से आपकी बात हुई थी, तो उन्होंने आपको कहा था कि मैं क्रिकेटर, उन्होंने कुछ बताया था कहां से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? नहीं सिर्फ ज्यादा बात नहीं हो पाई, सिर्फ इतना ही बताया दिल्ली से। हाँ घर जा रहे हैं दिल्ली से। आप उस वक्त कैसे पहुंचे? हाँ। इस कार तक मेरे 50 मीटर है, मैं तो पैदल चला गया दौड़ता हुआ। आपको दिखा वो एक्सीडेंट होते हुए? लास्ट पॉइंट मैंने देखा है, क्योंकि हाँ। जब पीछे धुन थी, आवाज आ रही थी, तो लगा कि एक्सीडेंट है। जब तक मैं मेन रोड पे निकला घर हाँ। के अंदर से, तो तब तक लास्ट पॉइंट पे गाड़ी पड़ी हुई थी, आग लगी हुई थी। अच्छा और फिर मैं गाड़ी के पास पहुंचा। अभी किसी ने, घर वाले ने, ऋषभ के घर वाले ने आपसे कोई संपर्क किया उसके बाद? नहीं सर अभी तो कोई संपर्क नहीं बना। अच्छा पुलिस ने कुछ बात की आपसे? हाँ पुलिस में तो काफी उनसे बात हुई है 2-3 बार जी। फिर लास्ट में जब गाड़ी पूछवाई, जब भी मैं वहीं पे था तब भी बात हुई थी। अच्छा अभी आप जहाँ पर है वहीं पर एक्सीडेंट हुआ था क्या? बिल्कुल इससे 50 मीटर सामने। दिखाइए जरा वो जगह, दिखाइए अगर फोन से दिखा सकें आप तो। यही वो जगह है? ये सामने जो भीड़ है ना यहाँ पे। कहाँ पर? जो सामने भीड़ हो रही ना वहाँ पे देखो जी, इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था आज इसी जगह पर, टावर के सामने ही बिल्कुल ये खड़े हैं। बिल्कुल टावर के सामने जहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जहाँ रोड गज गई है फिलहाल जहाँ पर। अच्छा और आप जहाँ पर खड़े हैं ये आपकी दुकान है जहाँ पे आप खड़े हैं, आपका घर है? जी जी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया परमिंदर आपका, बहुत शुक्रिया परमिंदर, बहुत आपने नेक काम किया है और जरूर आपको आपकी तारीफ होनी चाहिए इसके लिए। आपने एक जान बचाई है, एक देश की एक बड़ी हस्ती की, एक ऋषभ पंत की, एक क्रिकेटर की, एक शख्स की आपने जान बचाई है, और किसी की जान बचाना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। बहुत शुक्रिया आपका परमिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, BCCI दिल्ली या मुंबई में ऋषभ को शिफ्ट करवा सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर, BCCI दिल्ली या मुंबई में ऋषभ को शिफ्ट करवा सकती है, एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट किया जा सकता है ऋषभ पंत को। मैक्स के डॉक्टर्स की डिटेल रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है, इसके बाद ऋषभ पंत की चोट पर बयान जब आ जाएगा, जब डॉक्टर्स और ज्यादा अपना एक्सपर्ट व्यू दे देंगे, उसके बाद उनको शिफ्ट किया जा सकता है। ऋषभ पंत की हालत स्थिर है यह फिलहाल BCCI ने कहा है, और BCCI ऋषभ पंत का इलाज करने वाले डॉक्टरों के संपर्क में है। किशोर हमारे साथ हैं, किशोर के पास जल्दी से चलते हैं। किशोर क्या जानकारी है अभी ऋषभ पंत की हालत को लेकर? देखिए जितने भी क्रिकेट प्रेमी और देशवासियों के लिए अच्छी बात है कि ऋषभ पंत ठीक है, वो बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, नर्स से बातचीत कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि उनके कहां कहां चोट लगी और कहां दर्द हो रहा है। दूसरी बात, उनका MRI कराया गया था सर का, क्योंकि सर पे भी खून निकला था और चोट लगी थी, उसका भी MRI और टांग का भी हुआ। हालांकि थाइस पे थोड़ा डॉक्टर बता रहे हैं कि फ्रैक्चर हो सकता है थाइस का, क्योंकि उनको दर्द वहां पे ज्यादा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी लेटे हुए हैं,
तो सारी चीजें जब एनालिसिस हो जाएगी, सब चीजें तय हो जाएगी कि उनको यहाँ मैक्स में देना है या फिर हायर सेंटर भेजना है। दूसरी तरफ बीसीसीआई की तरफ से उनके इलाज का पूरा डॉक्टरों को यहाँ बोल दिया जाएगा कि जो भी खर्चा होगा, जैसा भी होगा, बीसीसीआई उसको पे करेगी। बीसीसीआई ये भी तय कर रही है कि उनको हायर सेंटर के लिए मुंबई या दिल्ली के बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टरों की टीम लगातार बातचीत कर रही है उनसे, लगातार उनके साथ एनालिसिस किया जा रहा है, एक चीज पे ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बताया कि अच्छी बात यह है कि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं और अब देखना यह है कि उनको कहां शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऋषभ पंत के साथ हुआ क्या, हमारे दर्शकों को जरा तफसील से बताते हैं कि ऋषभ पंत आज इस हालत में कैसे पहुंचे, ये हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। मैं आता हूं आपके पास, देखे आइए आपको दिखाते हैं ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक भीषण एक्सीडेंट होता है आज सुबह, हरिद्वार के पास नारसन इलाके में यह हादसा होता है रुड़की में। आसपास मौजूद लोगों ने ऋषभ पंत की जान बचाई और जान बचाने वाले लाइव हमारे साथ थे। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराती है उनकी, डिवाइडर से टक्कर के बाद कार में आग लग जाती है, कार पूरी तरह जलकर खाक हो जाती है। अपने घर रुड़की जा रहे थे ऋषभ पंत जब ये हुआ, झपकी लगने से उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में अकेले थे ऋषभ पंत और उस वक्त ये हादसा हुआ। और फिलहाल तस्वीर आप देखिए, इस हालत में थे ऋषभ पंत, उनका अभी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और जितनी जानकारी अभी तक मिली है तब तक उसके मुताबिक ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनको एक फ्रैक्चर हो सकता है ये जानकारी आ रही है। एमआरआई हुआ है, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। क्या अभी क्या इस पूरे मामले की जाँच भी चल रही है किशोर? देखिए पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है कि आखिर गाड़ी की स्पीड कितनी थी और गाड़ी के कहाँ टकराई थी, क्या कोई वहाँ पे रास्ते में कुछ दिक्कत हुई या फिर अचानक से गाड़ी के टायर, या फिर हर चीज़ पे गौर किया जाता है क्योंकि गाड़ी जिस तरीके से टकराई वो बहुत स्पीड थी और जिस तरीके से टकराने के बाद आग लगी है। गनीमत ये रही कि ऋषभ पंत होश में थे और ऋषभ पंत को लोगों ने वहाँ पे, लोग मौजूद थे क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर इलाका है हरिद्वार और नारसन का जो बॉर्डर है वो मुजफ्फरनगर के बॉर्डर के साथ जुड़ता है। अच्छा, कोहरा भी इसका एक फैक्टर हो सकता है क्योंकि सुबह जिस तरीके से 5:30 की घटना बताई जा रही है तो कोहरा भी एक फैक्टर हो सकता है। किशोर बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आपके पास आगे भी आएंगे। लेकिन अब ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से क्या सबक हमें मिलते हैं ये भी हम सबको देखना चाहिए, क्योंकि हम सब गाड़ियां ड्राइव करते हैं, हम सब अपने काम के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम सबको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? ऋषभ पंत के एक्सीडेंट से कुछ बड़े सबक हमें मिलते हैं।